نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والبرقان الحميد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم جناب صدر محفل معزز اساتذہ کرام और राह तालीम के मेरे हम सफर साथियों अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जिस मौजू पर सड़क गुशाई करने आया हूँ वो है तालीमी निस्वा। जनाब सदर महबल, तालीमी निस्वा से मुराद औरतों की तालीम है। इलम एक ऐसी दौलत है जिसकी जरूरत हर इंसान को है, खास के वो मर्द हो या जन हो। मौजूदा सेंसी दौर में हुई अकवाम कामयाब है जिसके मर्द और औरत दोनों इलम के दौलत से मुजरियन है। यूरोपीय अकवाम दुनिया में की तरह टापता है क्योंकि उनके हर मर्द और हर औरत जो है तालीम के रोशनी से मुनव्वर है। औरत और मर्द इंसानी गाड़ी के दो पहियों के मानन है जो दोनों में यकसानियत और बराबरी होना लाजमी है। अगर इलम मर्द की अकल को रोशन करता है तो औरत की अकल को भी इलम से जिला मिलती है। इस लिहाज से औरतों की तालीम भी लाजमी है। इस्लाम ने भी ये फैसला कर लिया है कि इलम हासिल करो खाक के तुम्हें चीन जाना पड़े। अगरचे ये बात आज से 1450 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, उस दौर में चीन जाना जान जोखिम का काम था, लेकिन आज और हवाई जहाज की वजह से ये सफर बहुत आसान हो चुका है, लेकिन उस वक्त में ये जान जोखिम का काम था। इसके साथ ये भी फरमाया कि जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए इसके राह में मौत हो जाए वो शहीद होगा। जंगी बदर के वो कैदी जो विद्या देने की इस्तेआत न रखते थे, इसके लिए 10-10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना ही विद्या ठहराया गया। इससे मालूम होता है कि इस्लाम में इलम का दर्जा कितना बुलंद होता है। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ, औरतों की तालीम की तरफ। जाहिर है कि अगर मर्द इलम हासिल करने के लिए तरक्की के मदारिज तय कर सकता है तो औरत भी इन दर्जात को इलम हासिल करके तय कर सकती है। अब वो जमाना नहीं कि औरत पर इलम के दरवाजे बंद किए जा सके। अब तो लड़कियों के अलग स्कूल और कॉलेज कायम हो चले हैं। ये लड़कियां पढ़ लिख कर तालीम याफ्ता कहलाएंगे और मुल्क व मिल्लत के लिए रोशन सितारे बनकर रहनुमाई का काम देंगे। मुल्क के नाम को ऊंचा करेंगे और कौम की इज्जत व अबरू को चार चांद लगाएंगे। एक और मुफक्किर कहता है कि अगर एक मर्द तालीम याफ्ता हो तो उसके खानदान तालीम याफ्ता होता है, अगर एक औरत तालीम याफ्ता हो तो सारा माशरा तालीम याफ्ता होता है। जनाब सदर, अब मैं तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता औरतों की तरफ आता हूँ। एक जाहिल औरत भी माँ कहलाती है और एक पढ़ी लिखी औरत भी माँ होती है, मगर दूर में जमीन और आसमान का फर्क है। तालीम याफ्ता औरत अपने घर को साफ सुथरा रखती है, अपने खावन के लिबास बनाती है, सवारती है, अपने बच्चों को भी एक खास रंग में रंग देती है जिससे बच्चे बचपन ही में होनहार हो जाते हैं और बड़े होकर भी तरक्की करते हैं। तालीम याफ्ता माँ गरीब भी हो तो अमीर बन जाती है और फजूल खर्चों से घर को जानने की बजाय किफायत शियारी को अपनाती है और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इमारत से करीब तर हो जाती है। बच्चों को खुद भी पढ़ाती है अपने बच्चों को और वो पढ़ाई के तरीके जानती है और मोहल्ले के बच्चे भी इससे पढ़ने के लिए आ जाते हैं, ट्यूशन के लिए जाते हैं और इस तरह वो मोहल्ले में इज्जत भी पाती है और अमीर भी हो जाती है। बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए वसीयत मन रखने के लिए भी एक माँ का पढ़ा लिखा होना जरूरी है ताकि वो हिफ्ज़-ए-नसीहत के उसूल के मुताबिक अच्छी तरह वाकिफ होकर अपने बच्चों के देखभाल कर सके। इस तरह उन्हें अपने जौहर दिखाने का मौका मिल रहा है और उनमें खुदबारी पैदा हो रही है, अपने ऊपर इतिमाद पैदा हो रहा है। बास लोग जिनके पास रुपया तो है मगर इलम नहीं, वो खुद जाहिल होने की वजह से बच्चों को इलम के जेवर से आरास्ता करने की बजाय कीमती लिबास और जेवर से पेरास्ता करते हैं और इससे उनमें रहरवी और लालच जैसी बीमारियां पैदा हो जाती है जिससे वो शराब में पर तो बन जाती है मगर शराब खाना नहीं रह सकती। आखिरी अगर
आला तालीम के साथ साथ लड़कियों की अखलाकी तरबियत की तरफ भी खास तवज्जो दी जाए और उन्हें इस्लामी तालीम से बहरावर कर दिया जाए तो वो लड़कियां माशरे की मिसाली खातिन बन जाएंगे। पढ़ी लिखी खातिन मुल्क व मिल्लत की शान बढ़ाती है, अपने औलाद को मुल्क व मिल्लत की खिदमत के लिए लायक बनाती है, उन्हें बड़ाई और भलाई में तरबीज करना सिखाती है और अपने फराइज़ दीनी और दुनियावी बड़े अच्छे तरीके से पूरा करती है और एक बेहतरीन कौम की बुनियाद रख सकती है। मैं अपने बात को अशआर में बयान करके तकरीर का अख्तिताम करना चाहता हूँ। बतौर पश्तो शायर बख्शज़ादा दानिश दालूर दिस गुल तबू जखा दालूर दिस गुल तबू जखा पलूर दिस सबक वो आया दालूर दिस गुल तबू जखा पलूर दिस सबक वो आया पदी की गैरत मगोरा गैरत तबला लारी दी। वस्सलाम।